वेलकम बैक अगेन टू माई न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों को मिलने वाले कंप्लीट और फ्री नॉलेज के बारे में, जिसके बाद आप लोगों को कहीं पर भी जाकर पैसा खर्च करके कोई भी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लोग मेरे वीडियोज़ के थ्रू सारी चीज़ें सीख कर अपने आप ही घर बैठे मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आप लोग के लिए इस तरह की वीडियो और भी ला सकें। तो करना क्या होगा आप लोग को, इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से डायरेक्टली आप लोग इस पेज पहुँच जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि राशन कार्ड की ज़रूरत हर किसी को होती है, और हर जगह आप लोग इसके लिए कहीं पर भी लगा के अपने प्रूफ दे सकते हैं। तो आज के वीडियो आप सभी लोग के लिए, ताकि आप लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो कि कम्प्लीटली वेरीफाइड है, और आप सभी लोग को, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हों, किसी भी सिटी से हों, आप सभी लोग घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी पेमेंट के आप लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो करना क्या होगा इसके लिए, आज हम आप लोग को वीडियोस में ही पूरी जानकारी देंगे, जिसके बाद आप लोग घर में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो उसके थ्रू आप लोग सारी जानकारी फिल करके अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपको वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो उसके लिए करना क्या, सबसे पहले साइन इन रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, पब्लिक लॉगिन और ऑफिशियल लॉगिन। आप लोग अगर पब्लिक से हैं तो आप लोग करना क्या, अगर आप लोग अपना राशन कार्ड बनवाना है पब्लिक लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे, जिससे कि आपको दूसरे पेज पे रेफर कर दिया जाएगा। राशन कार्ड के लिए अब आप लोग को भटकने की ज़रूरत नहीं है, nfsa.government.in की वेबसाइट पे जाके आप लोग अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये न्यूली लॉन्च किया गया है, तो अभी ये 100% सिक्योरिटी के साथ काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग परेशान मत होइए। अभी मैं आप लोग को जो जानकारी दे रहा हूँ आप लोग उसको फिल कर दें, ताकि जब भी 100% चालू हो जाए, 100% चलने लगे, तब मैं आप लोगों को दोबारा से इसके बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा, जिसके बाद आप लोग घर बैठे अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाने के बाद आप नीचे आएंगे, पहले आप लोग को सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को राशन कार्ड बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसमें दिया है एंटर लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो पहले आप लोग एंटर अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे और पासवर्ड बनाएंगे। न्यू यूज़र के लिए आप लोग करना क्या होगा, नीचे आए आप लोग न्यू यूज़र पर क्लिक कर लेंगे, जिससे कि आप लोग को फिर से दूसरे पेज पर रेफ़र कर दिया जाएगा। अपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ध्यान से दोस्तों, जो कि आप लोग के अगर आपके पास पहले से राशन कार्ड था जो बंद हो चुका है उसमें देख लें, या फिर अपने आधार कार्ड में देखकर आप लोग अपडेट कर सकते हैं। सही डिटेल फिल करिएगा, वरना आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करें, जेंडर है आप लोग क्या मेल है फीमेल है फिल करें, ट्रांसजेंडर हैं, और उसके बाद आप लोग अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप लोग लॉगिन आईडी के लिए आप लोग यूनिक आईडी बनाएंगे, जिसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर ये यूनिक नहीं होगा तो आप लोग को ये नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें, लॉगिन आईडी में आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर, जो भी आपके फैमिली के मेम्बर हैं उनमें से किसी का डाल सकते हैं, यानी अगर आपके फादर से उनका डालें, मदर से उनका नाम डाल दें, उनका आप लोग लॉगिन आईडी बना सकते हैं। चेक यूज़र पर क्लिक करेंगे, अगर आप लोग का यूनिक होगा तो वो यहाँ पर ग्रीन कलर का आएगा, अदरवाइज़ आप लोग दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड फिल करें, कंफर्म पासवर्ड फिल करें, थ्रू UIDAI आधार नंबर से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर आप लोग UIDAI से अपडेट कर रहे हैं, तो आप लोग दोनों का ध्यान रखें। मेरा सजेशन आप लोग को ये रहेगा कि अपने आधार कार्ड नंबर से अपडेट करें, ताकि वहाँ पर सारी चीज़ अपडेट होती है और वहीं से आप लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेलेक्ट वन, स्टेट आप लोग किस स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या आप लोग का, तहसील क्या पड़ता है, विलेज टाउन क्या आप लोग का, अपना कंप्लीट एड्रेस जो आपके घर का है, एड्रेस टू भी अपडेट करें, और अपना पिन नंबर अपडेट करें। उसके बाद लास्ट में आप लोग कैप्चा ज़रूर फिल कर लें, 5+8, या फिर आप लोग इसको रिफ्रेश करके दूसरा भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो दोबारा से आप लोग रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आप लोग को दूसरा कैप्चा दे दिया जाएगा। ठीक है, नीचे रिमार्क्स में आप लोग रिमार्क्स में डाल सकते हैं जो भी आप लोग की कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, या आप लोग कुछ भी और अपडेट करना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेंगे सारी चीज़ फिल करने के बाद। उसके बाद आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से डिटेल पूछी जाएगी। आप लोग कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। जब आप लोग कंप्लीट फिल कर लें, ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद वापस आ जाएंगे आप लोग। वापस आ जाने के बाद आप लोग यहाँ नीचे आएंगे, साइन इन विथ राशन कार्ड नंबर, आप लोग की मेल पर एक कन्फर्मेशन मेल जाएगा। जैसे ही आप लोग उसमें क्लिक करेंगे मेल पर जाने के बाद, तो वहाँ से आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ आप लोग का राशन कार्ड के लिए प्रोसेस कर दिया गया है। ठीक है, साइन इन विथ आधार कार्ड OTP, आप लोग आधार कार्ड नंबर डाल के उसका OTP भी ले सकते हैं। जब आप लोग का वहाँ पर राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग राशन कार्ड के नंबर से आप लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं, जिसके बाद आप लोग के घर पर या ऑनलाइन ही आप लोग का राशन कार्ड का सारी अपडेट्स दे दी जाएगी।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था और आसपास के दुकान वाले आप लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते थे। तो अब उनको देने की ज़रूरत नहीं, आप लोग घर बैठे ही सारी चीज़ें अपडेट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ताकि हम आप लोग के लिए और भी इस तरह की वीडियो ला सकें, या फिर आप लोग को सर्टिफिकेट कोर्स या फिर आप लोग को जॉब से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आप लोग के लिए और भी अमेजिंग वीडियो ला सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो, जब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।